अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की डार्क सर्कल्स के लिए आई क्रीम के बारे में, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डार्क सर्कल्स के लिए एक आई क्रीम का रिव्यू, और आप लोगों के साथ पूरी डिटेल इसकी शेयर करूँगी, इसके बेनिफिट्स, इसकी प्राइस और अपना पर्सनल ओपिनियन। सो काइंडली वीडियो को प्लीज़ कहीं से स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम इसकी जो है डिटेल पता चल सके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते और बाद में जो है कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, ये किस टाइम लगाना है। तो मैं पूरी डिटेल आपको जो है वीडियो में बता देती हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगी। एज़ यू कैन सी, मेरे पास रिवाज यूके की डार्क सर्कल रिड्यूसर आई केयर जेल है विद ग्रीन टी, यानी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ। और कंपनी जो है क्लेम करती है कि ये आपके डार्क सर्कल्स को डे बाय डे रिड्यूस करेगी, और आपके जो हल्के हैं आँखों के गिर्द वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होंगे। और इसमें शामिल है ग्रीन टी, एलोवेरा, विटामिन ई, जो कि आपके टाइड आइज़ जो है उनको जो है रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये जेल। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो ये 300 से लेकर 350 के बीच में इसकी प्राइस है। आपको 300 या 350 तक इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, सो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और इस पर तमाम तर डिटेल्स जो है वो मेंशन है, इस पर इनका लगाने का तरीका भी मौजूद है कि आपने इसको किस तरीके से लगाना है। आपने इसको रात को सोने से पहले अपने अंडर आइज़ पर लगाना है, और आपने जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पर लगाना है, और उसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है। और ये आपको जो है मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में लगाना है, सुबह और रात को आप सोने से पहले इसको लगा सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी इस पर क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं, जिसमें जो है एलोवेरा और उसके अलावा ग्रीन ट्री के एक्सट्रैक्ट्स, और ये तमाम तर चीज़ें आप वीडियो को जो है एक पॉज करके चेक कर सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। और इसके अंदर इस टाइप का छोटा सा एक जार मौजूद है जिसमें ये जेल है, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन मैं अभी आपको उसको खोल कर दिखाती हूँ कि ये इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये 10 ग्राम की जो है जार है, आप देख सकते हैं ये जेल फॉर्म में बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर इसका जो है टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। और इसको जब आप अपनी स्किन में अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल जो है वैनिश हो जाता है, और उसके बाद जो है आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आप लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर करती हूँ। जब मैंने ये आई जेल यूज़ किया तो मुझे फ़ील हुआ कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा पफ़ी आइज़ है और उनकी आइज़ बहुत टाइड है और बिल्कुल हेल्दी नहीं दिखती, तो उनके लिए एक बेस्ट आई जेल है। आप इसको डेली जो है 2 times अप्लाई करें, मॉर्निंग एंड नाइट में। ये आपकी आइज़ को बहुत रिलैक्स रखता है, और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। इसके अलावा मार्केट में ऐसी बहुत ज़्यादा जो है डार्क सर्कल्स के लिए आई क्रीम्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनीज की क्रीम्स है, जो 800 से लेकर 1,000-1,500 तक की रेंज में जाती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और हर कोई इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर रिज़ल्ट के हवाले से देखा जाए तो ये जो आई जेल है इनका और उनका रिज़ल्ट सेम ही है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप एक बेस्ट जो है आई क्रीम ख़रीदना चाहते हैं अपनी आईज़ की केयर करने के लिए, तो मैं आप लोगों को ये क्रीम रिकमेंड करूँगी कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन का ख़ास ख्याल रखना होगा। डार्क सर्कल्स के कई वजूहात होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट रात तक जाग रहे हैं और आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे, या आप सारा दिन सोते रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा टीवी के आगे बैठते हैं, या आपको कोई भी स्ट्रेस डिप्रेशन हो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स जो है हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी जगह आप पेन हो, या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप वीक हैं, तो उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो है
हेल्थ की केयर करनी चाहिए, अपनी डेली रूटीन को देखें और उसके बाद जो है आप उसके साथ कोई भी जो है आई क्रीम यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके डार्क सर्कल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप जस्ट एक आई क्रीम के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि हम ये लगाएंगे तो हमारे डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया की कोई भी ऐसी आई क्रीम नहीं है जो आपके डार्क सर्कल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। जब तक आप अपनी डेली रूटीन को जो है बैलेंस ना रखें और अपनी डाइट का ख्याल ना रखें। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।